हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा, आप सबने हमारे चैनल को, वीडियोस को जो प्यार, जो सपोर्ट और जो विश्वास दिखाया है, आप वही प्यार, वही विश्वास और वही सपोर्ट इसी तरह बनाते रहे, दिखाते भी रहे। हम आपके लिए तब तक काम करते रहेंगे उसी डेडिकेशन, उसी विश्वास और उसी प्यार के साथ, जब तक आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। आपको बस मेहनत करना हमारे साथ, पसीने बहाना हमारे साथ, इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाएंगे, घुटनों पर ला देंगे। एक कहावत है, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और अगर नहीं आया तो घसीट कर लाएंगे इसको। आप बस इतना सा विश्वास रखना हमारे चैनल पर, हमारी क्रिक टीम पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने एटम से मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखा था कि मैटर हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, आप अपने चारों तरफ लुक आउट करो, देखो अपने चारों तरफ, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज इस हमारे ब्रह्मांड में मैटर से मिलकर बनाया। कि मैटर में आखिर है क्या? मैटर कुछ नहीं है, वो सब्सटेंस या वो थिंग्स जिसका कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम उसको मैटर कह सकते हैं। जैसे ये मैटर, ये भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका 10 ही ग्राम वजन क्यों ना हो, मास क्यों ना हो, पर है, इसका कुछ ना कुछ स्पेस जरूर है। आप कहीं भी रखेंगे, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसका मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, इसका मतलब ये मैटर है। हम भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, एयर भी मैटर है। तो वाटर की ड्रॉप भी हम कह सकते हैं कि मैटर। के बारे में कौन कौन फिलोसोफर ने क्या क्या अपनी हाइपोथेसिस, क्या क्या अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो हमारे पहले जो इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनक, उन्होंने मैटर के बारे में क्या कहा, जरा सा देखते हैं। ये अपने महर्षि कनक है, इन्होंने बताया कि मैटर, जिसे इन्होंने पदार्थ कहा, इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में हर चीज पदार्थ से बना हुआ है, जिसे हम मैटर कहते हैं। अगर उस मैटर को हम डिवाइड करें, तोड़े, तो वो अणु में बदलता है, और उस अणु को, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, उस अणु को और हम डिवाइड करते जाए तो अल्टीमेटली हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, जिसे इन्होंने परमाणु नाम दिया था और हम एटम कहते हैं जिसे। फिर इन्होंने कहा उस परमाणु को हम और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, विच मे नॉट बी डिवाइड फर्दर। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे परमाणु कहा था इन्होंने, हम उसे और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। इनके एक और इंडियन फिलोसफर पपुदा कात्यायन, इन्होंने भी कहा कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु है, एटम है, परमाणु है, ये हमारे नेचर में तो पाया जाता है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, और ये परमाणु एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अलग अलग पदार्थ, अलग अलग मैटर बना रहा है। देखिए, ही सेड दैट, कौन, कात्यायन सेड दैट, दीज पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स मतलब क्या, परमाणु की बात कर रहे हैं, दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। ये जो परमाणु है, ये हमारे नेचर में कंबाइन मतलब जुड़े हुए रूप में, कंपाउंड के फॉर्म में, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर चुका है, जुड़ चुका है। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु है, ये हमारे नेचर में कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, और अलग अलग तरह के मैटर को या पदार्थ को बना रहा है। ये तो कात्यायन जी ने कहा। कुछ ग्रीक फिलोसफर भी थे, कुछ ग्रीक फिलोसफर ने भी इस मैटर और एटम के बारे में अपनी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। यहां से भी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, कात्यायन ने जो दिया ये भी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, महर्षि कनक ने जो दिया ये भी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इन्होंने लास्ट में कहा कि परमाणु को हम और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों, इसी पर तो आगे रिसर्च चला, और फिर ये हमें पता चला कि भैया एटम को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कैसे इंग्लिश में लिखा, ये कॉन्सेप्ट आया इन्हीं महर्षि कर्णन कात्यायना ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस और लूसीफस ने। जरा सा देखते हैं कि ये ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस और लूसीफस ने क्या कहा। इनके अकॉर्डिंग मैटर इस यूनिवर्स में हर चीज मैटर से मिलकर बना हुआ है और उस मैटर को अगर डिवाइड करें तो हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसे एटम इन्होंने नाम दिया। एटम का मतलब होता है ग्रीक में एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे और छोटे पार्टिकल में तोड़ा ना जा सके। देखे इन्होंने क्या कहा कि अगर मैटर को हम डिवाइड करते जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूट जाएगा और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डेमोक्रेटस ने एटम नाम दिया था, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। अब हम अपने चार्ट ऑफ लुक आउट करें, समझ में आ गया कि इस यूनिवर्स का हर एक चीज मैटर से बना है और वो मैटर एटम से मिलकर बना है। मतलब मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो परमाणु है, एटम है। कि ग्रीक फिलोसोफर्स जितने थे, इंडियन फिलोसोफर थे, उनसे हमें पता चला। तो अब ये एटम एक दूसरे से जुड़कर अलग अलग जो कंपाउंड बना रहे, अलग अलग जो मैटर बना रहे, अलग अलग जो पदार्थ बना रहे, क्या ये एटम कंबाइन करते समय कुछ नियमों का पालन करते हैं या मनमानी रिएक्शन कर जाते हैं, मनमानी कंबाइन कर जाते हैं, रैंडमली कंबाइन कर जाते हैं, जैसे ही कोई एटम के पास कोई दूसरा एटम आया तुरंत रिएक्ट करते हैं, क्या ऐसा होता है क्या कि मनमानी कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, अभी आगे हम बात करेंगे। आप अपने चारों तरफ लुकआउट करो, मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके चारों तरफ आपके डेली लाइफ में हर समय हो रहा है, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, मिल्क का कर्ड में बदलना, फर्मेंटेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कुकिंग ऑफ फूड, सुगर सोल्यूशन का एसिटिक एसिड, सिरका जिसे कहते हैं उसमें बदलना। आप देखिए आपके चारों तरफ लुकआउट करें, पता नहीं कितने केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या ये केमिकल रिएक्शन कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ लॉस को फॉलो करते हैं, या अपने मन से जहां मन में आया वही हो गया, जैसे एटम किसी दूसरे एटम के कॉन्टेक्ट में आया तो रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, क्या ऐसा है या ये भी कुछ लॉस को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं। देखते हैं, उससे पहले लॉस को समझने से पहले हमें यह समझना है कि भैया केमिकल रिएक्शन है क्या, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किन लॉ को फॉलो करते हैं, एटम एक दूसरे से कंबाइन करते समय किन लॉ को फॉलो करते हैं, उससे पहले हमें रिएक्शन को समझना पड़ेगा कि भैया रिएक्शन है क्या। रिएक्शन क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। तो आप क्या बताओगे, द प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेंगे, जैसे ए और बी भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट करेगा मॉलिक्यूल कहलाएगा और केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनेगा, हमने लिया तो ए और बी था लेकिन नई चीज क्या मिली, सी और डी मिली। हमने थोड़ी नहीं लिया था सी डी, हमने तो लिया था ए डी, लेकिन इन दोनों ने कंबाइन करके नया सब्सटेंस बना दिया सी और डी। तो ये सी डी क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और ए बी क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। वही चीजें यहां पर लिखी हुई है। अब ए और बी कंबाइन तो किए, देखो ना ए और बी कंबाइन करके सी और डी दे दिए, लेकिन सवाल यह कि क्या ए और बी कंबाइन करते समय कुछ लॉ को फॉलो किया, कुछ रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया, रैंडमली मनमानी रिएक्शन कर गए, जुड़ गए? नहीं, ये मनमानी नहीं जुड़ सकते, ये रैंडमली रिएक्शन नहीं कर सकते, ये भी कुछ नियमों का पालन करते हैं, ये भी कुछ रूल्स का फॉलो करते हैं और एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करते समय जिन लॉस को फॉलो करता है, जिन
रूल्स को फॉलो करता है, हम उन रूल्स को या उन लॉस को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो एक लाइन में डिफाइन करेंगे द लॉ और रूल व्हिच इज फॉलोड बाय एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम। एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के लिए जिन लॉ को फॉलो करता है, जिन रूल को फॉलो करता है, उन्हीं लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वो मेनली दो लॉ को फॉलो करेगा, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। अब इनको तो आप पहचानते होंगे, ये है अपने एंटोनी लेवोसियर, इन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है। एंटोनी लेवोसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है। मैंने एक और बात आपको बताई थी इनके बारे में, ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यही केमिस्ट्री के पिता है, फादर कहे जाते हैं भैया, क्या कहे जाते हैं, फादर है केमिस्ट्री, याद रखना आप इस बात को। अब इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया क्या, कुछ नहीं बताया। इन्होंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जब भी कोई एलिमेंट या जब भी कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का टोटल मास टोटल मास के बराबर ही आएगा, क्योंकि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एग्जांपल वही लिखा है, इट स्टेटेड दैट मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यूनिवर्स का जो टोटल मास होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। चलो एक एग्जांपल लें भैया, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई रिएक्शन होगा तो उसमें रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर ही आएगा। हर केमिकल रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करेगा, इस लॉ को सेटिस्फाई मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगा, रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन सही नहीं माना जाएगा। जैसे हमने कहा हमने HCl लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, समझिए क्या ले लिया हमने, हमने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। अब इसको रिएक्शन किया दोनों ने तो दिया क्या, इन्होंने दिया NaCl और वाटर दे दिया, HCl विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दोनों ने रिएक्शन किया और ये नया सब्सटेंस दिया। अब देखो ये दोनों इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं इसलिए ये रिएक्टेंट हुए, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं वो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट कहलाता है। लिया तो हमने HCl और NaOH था, लेकिन हमें नई चीज क्या मिली, हमें नई चीज मिल गई NaCl और वाटर, हमने जिन दोनों को लिया नई चीज हमें मिल गई, जो नया सब्सटेंस बनता है हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। आई होप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मास में, रिएक्टेंट का टोटल मास निकालते हैं, प्रोडक्ट का टोटल मास निकालते हैं, अगर दोनों बराबर तो इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। चलो हाइड्रोजन का टोटल मास कितना, हाइड्रोजन का टोटल मास भैया हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास 1। हाइड्रोजन का मास HCl में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 यूनिट हमने लिख दिया। अब जरा सा टोटल मास, रिएक्टेंट का टोटल मास जोड़िए, देखिए कितना आएगा, टोटल मास अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 76.5 यूनिट, ये रिएक्टेंट का टोटल मास आएगा, आप जोड़ के देखिए 76.5 यूनिट आएगा। अब आते हैं प्रोडक्ट में, चलिए आ जाते हैं प्रोडक्ट में, देखते हैं जरा सा प्रोडक्ट का टोटल मास कितना आता है। पहले हम सोडियम क्लोराइड का निकालते हैं, तो बताएं सोडियम का एटॉमिक मास कितना, 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना, 35.5, यही इतना आएगा। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना, 1 होता है, अब वाटर में 2 हाइड्रोजन तो कितना होगा, 2 होगा, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना, 16, यही तो आएगा ना, हाँ यही आएगा। अब इसको सोडियम क्लोराइड में सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो
फूड एंड प्लाई का टोटल मास कितना आएगा, ये आएगा 58.5 और वाटर का टोटल मास आएगा 18। आप इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे, आप इसको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का टोटल मास भी 76.5 यूनिट आया। देख ले, हमने रिएक्टेंट का भी टोटल मास 76.5 यूनिट निकाला और प्रोडक्ट का भी टोटल मास 76.5 यूनिट निकाला। इसका मतलब ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर है। हर केमिकल रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करेगा। अब आते हैं दूसरे लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखते हैं पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्या, दिया किसने है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्राउस ने दिया है। किसने दिया है? प्राउस। इन्होंने बताया क्या, इन्होंने ये कहा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वो अपने मास के एक निश्चित मात्रा में ही कंबाइन करेगा। मतलब जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो एक मास के फिक्स रेशियो में निश्चित मात्रा में ही कंबाइन करेगा, मनमानी नहीं कंबाइन करेगा, रैंडमली कभी कंबाइन नहीं करेगा। एक लाइन अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन एन एलिमेंट कंबाइन विद अनदर एलिमेंट इन डेफिनेट रेशियो बाय देयर मास, या इन डेफिनेट रेशियो ऑफ देयर मास। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करता है तो वो अपने मास के निश्चित मात्रा में कंबाइन करेगा, डेफिनेट मास में कंबाइन करेगा, कभी भी मनमानी नहीं कंबाइन करेगा। वही लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट द एलिमेंट कंबाइन इन देयर डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास टू गिव कंपाउंड। जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो मास के निश्चित मात्रा में कंबाइन करके कंपाउंड को बढ़ाएगा। एग्जांपल जैसे लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया तो बनाया क्या, वाटर। अब इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:1। थ्योरेटिकल बात हो गई, एग्जांपल लेके देखते हैं और फिर समझते हैं क्या वाकई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है या नहीं करता है। कोई कंपाउंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, कंपाउंड जब बढ़ेगा, एटम जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो क्या वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, देखते प्रूफ करके देखते। चलो वाटर ले लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट हमने ले लिया, हमने कहा हमने वाटर ले लिया। अब इस आप जरा समझे, इस वाटर में कितने एटम हैं, कितने तरह के एटम हैं भैया? हमें तो दो ही तरह के एटम दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। मुझे तो यही दिख रहा है, दो ही टाइप के एटम दिख रहे हैं कि वाटर इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन है। अब आपको तीसरा दिख रहा होगा तो आप बताइएगा। अब इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है वो जरा देख लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही तो कहता है। भैया वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। अब सवाल ये कि क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा, कंबाइन करके ये जब वाटर बनाएगा तो क्या हाइड्रोजन का निश्चित मात्रा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, या आप एक क्विंटल या 10 किलो आप हाइड्रोजन ले लें और पता लगा 1 ग्राम ऑक्सीजन ले लें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये कंबाइन करके वाटर दे देगा? अगर पॉसिबल है तो देख लेते एक्सपेरिमेंटली, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट जब भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो मास के निश्चित मात्रा में कंबाइन करेगा। देखें, वाटर मॉलिक्यूल H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है निकाल लेते हैं। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट या 16 AM चले। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वाटर में हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकलेगा, टोटल मास निकलेगा वो 2, क्योंकि 1 का 1 यूनिट तो 2 का 2 यूनिट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास का जो रेशियो है वो 2:16, और सिंप्लीफाई करेंगे
तो क्या मिलेगा आपको, 2 1 2 2 8 16। इसका मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:1 है। ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो के मास का जो रेशियो होता है वो 1:1 है। अब आप एक वाटर मॉलिक्यूल ले लें या 1000 वाटर मॉलिक्यूल ले लें या फिर मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में आप देख लें, सब में हर एक वाटर मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो मिलेगा वो 1:1, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करेगा। अगर आप इस रेशियो को फॉलो नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने सपोज दैट कलर बदल लेते हैं, हम थोड़ा सा कलर बदल ले तो आई होप कि ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। चलो हमने वाटर ले, चलो एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, मान लो हमने 2 ग्राम हमें प्रूफ करना है, मान लो हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 10 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, 10 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये 2 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा या कितना हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इस रेशियो को फॉलो करते हैं, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो फिक्स है, वो क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करेगा। ये फिक्स रेशियो आप जितने वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो यही मिलेगा। अब हमने इक्वेशन ले लिया, हमने कहा 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 10 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, हम देखना चाहते हैं कितना हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो चलो देख लेते हैं। हम एक नए स्लाइड ले, हमने लिया 2 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि कितना ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो फिक्स है, मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो 1:1 है। भैया वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो है वो 1:1 है, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अब अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो भैया ये खुद देख लें आप, 16 ग्राम खुद देखें आप कितने के साथ कंबाइन करेगा, ये करेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, कितने के साथ, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ये हमने लिख दिया, थोड़ा सा कलर भी हमने बदल दिया, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ये देखना। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 10 ग्राम, भैया हमें तो पता चल गया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो हमने कैलकुलेशन करके प्रूफ किया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने हाइड्रोजन तो 2 ग्राम लिया और ऑक्सीजन 10 ग्राम लिया, तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम, मतलब 10 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, देख लेते हैं।
8 ग्राम वाटर का ये जो रेशियो है 1:8, वाटर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है 1:8, इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। तो हम पहले यही बता देते हैं कि भैया 8 ग्राम क्योंकि ये नोन वैल्यू है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो ये तो हमें पता ही है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। अब सवाल ये है कि ये 10 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो देख लेते हैं कितने के साथ कंबाइन करेगा। 10 ग्राम, अब कितना ले लिया हमने 10 ग्राम, ये नोन वैल्यू है हमारी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिला है, वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमें मिला है, वो हमने लिखा कि भैया हमें जो वैल्यू पता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। अब सवाल ये कि 10 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइन करेगा, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 1/8×10। भैया आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, हमसे ज्यादा कैलकुलेशन आती होगी है ना, तो यही वैल्यू तो लिखेंगे 10/8। आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1. इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 समथिंग आएगा। मतलब क्या, 10 ग्राम ऑक्सीजन 1.2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। अब यहां पे आते हैं, 10 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन करेगा, 1.2 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा। आपने लिया कितना है 2 ग्राम लिया है, तो इसका मतलब 10 ग्राम 1.2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो बचेगा कितना, बच जाएगा आपका 0.8 ग्राम हाइड्रोजन आपका बचा रह जाएगा, मतलब 0.8 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मास का रेशियो फिक्स है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट साथ कंबाइन करता है तो मास के निश्चित मात्रा में कंबाइन करता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने का जो मास का रेशियो है वो फिक्स है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। अगर आप 10 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो ये हाइड्रोजन के मात्र 1.2 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा और 0.8 ग्राम छोड़ देगा, ये बात आप मान के रखेंगे। इसका मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड में देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम देखते हैं क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। आप कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो यहां पर ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब 32। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है, 3:1, 4 से आप काटेंगे, 4 3 12, 4 8 32, तो 3:8, दिस 3:8 इज द मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो 3:8 है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ये रेशियो फिक्स है, जब भी आप कार्बन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करेंगे, जब भी आप कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। अगर आप 6 ग्राम कार्बन लेंगे, अगर आप 6 ग्राम कार्बन लेंगे तो ये 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कितने के साथ, 16 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा। अगर आपने 3 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया है तो होगा क्या, होगा ये कि 3 ग्राम कार्बन मात्र 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कितने के साथ,
मात्र 8 के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि ये देखो रेशियो फिक्स है, 3 ग्राम कार्बन मात्र 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और आपने लिया 3 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन 16 ग्राम ले लिया, तो 3 ग्राम कार्बन मात्र 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन आपका अनरिएक्टिव रह जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वो अपने मास के निश्चित मात्रा में ही कंबाइन करेगा। ओके, आप वीडियो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू।